हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइस। राइस में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, कल्टीवेशन एंड यूजेस। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो राइस है उसका बोटेनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा। वर्नेकुलर नेम या कॉमन नेम जो है वो है धान या चावल, जिसे हम जानते हैं राइस को। फैमिली पोएसी है। ओरिजिन की हम बेसिक बात कर लेते हैं कि जो मोर देन 85% जो वर्ल्ड राइस है वो ग्रो होता है चाइना में, इंडिया में, जापान, पाकिस्तान और उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ में। हम बेसिकली यहाँ ओरिजिन की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर चाहिए कि जो राइस है वो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन का है या मोनोफाइलेटिक ओरिजिन का। तो यहाँ पे दो व्यूज़ हैं राइस के ओरिजिन में। पहला है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो इसका मतलब है कि जो एक स्पीसीज है राइस की वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम सेवरल स्पीसीज। मोनोफाइलेटिक का मतलब है ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल स्पीसीज। तो अगर पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के व्यू को हम देखें तो इसका मतलब है राइस की जो स्पीसीज हैं, मान लीजिए ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लैमिरे की हम बात कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम सेवरल स्पीसीज। तो अब हम बात करते हैं जो ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लैबेरिमा है वो इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुई हैं अपने रिस्पेक्टिव रीजन में। साथ ही अगर हम मान लो एक स्पीसीज ले लेते हैं ओराइजा सटाइवा, तो वो क्या है, जो ओराइजा सटाइवा है वो आल्सो इवोल्व हुई है कहाँ से, ओराइजा रूफीपोगोन से, प्लस में कुछ जो है वो अराइज हुई हैं ओराइजा माइन्यूटा से। तो हम क्या कह सकते हैं, ओराइजा रूफीपोगोन जो एशिया का है गिव राइज टू मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ऑफ ओराइजा सटाइवा। मतलब मोस्ट ऑफ जो वेराइटी है ओराइजा सटाइवा की वो कहाँ से अराइज हुई हैं, ओराइजा रूफीपोगोन से, प्लस में जो कुछ फॉर्म है वो आल्सो अराइज हुई हैं ओराइजा माइन्यूटा से। तो मतलब जो ओराइजा सटाइवा है वो सेवरल स्पीसीज, मतलब एक से ज़्यादा हो गई। कौन कौन सी हो गई, रूफीपोगोन और माइन्यूटा, इन दोनों स्पीसीज से अराइज हुआ है हमारा ओराइजा सटाइवा। तो ये किस रीजन का हो गया, पॉलीफाइलेटिक ओरिजन का हो गया। मोनोफाइलेटिक ओरिजन की बात करें तो मोनो मतलब सिंगल, मतलब जो स्पीसीज है वो अराइज हुई है फ्रॉम सिंगल स्पीसीज। तो इसमें हम देखें ओ पेरेनिस जो है वो प्रोजेनिटर है बोथ संपथा एंड चंद्ररत्ना का, ठीक है। तो मतलब है कि जो हमारी दो वैरायटी हैं चंद्ररत्ना और संपथा, ये दोनों जो वैरायटी हैं ये कहाँ से अराइज हुए हैं, एक सिंगल स्पीसीज से अराइज हुए हैं, वो कौन सी है हमारी, ओराइजा पेरेनिस, ठीक। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो राइस एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है और फ्री टिलरिंग एनुअल ग्रास है। टिलरिंग का मतलब होता है गुच्छे टाइप्स, मतलब ग्रुप्स में प्रेजेंट होना, बहुत सारी स्टेम्स निकलती हैं, फ्री टिलर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर स्टेम की बात करें उसको हम कलम भी कहते हैं, तो जो स्टेम है राइस की वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल जॉइंटेड स्टेम है जो कि किससे मेड अप होती है, नोड्स एंड इंटरनोड से, नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड, और जो हाइट है इसकी वो 50 to 150 सेंटीमीटर प्रेजेंट होती है। लोअर इंटरनोड जो है जो बेस के पास प्रेजेंट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं। जैसे जैसे इंटरनोड इंक्रीज होता है लेंथ में फ्रॉम लोअर टू अपर पोर्शन ऑफ ए प्लांट, तो जो यंगर इंटरनोड होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं। मैच्योर होते हैं इंटरनोड वो होलो होते हैं और स्मूथ होते हैं। अब हम नोड की बात करें तो जो नोड्स हैं वो सॉलिड पोर्शन होता है स्टेम का और ये बियर करते हैं लीफ या बड। जो बड है वो अटैच होती है अपर पोर्शन ऑफ नोड में, पिक्चर में आपको दिख रहा है बड जो है वो अपर पोर्शन में अटैच हो रहा है और ये क्या होता है, इनक्लोज होता है बाय ए लीफ शीट। बड जो है वो राइज करता है लीव्स को और टिलर्स को, यहाँ पे आपको दिख रहा है नोड से लीफ निकल रही है, तो जो बड है वो हेल्प करता है लीफ और टिलर्स के राइज होने में। इंटरनोड की एक और बात है कि जो इंटरनोड होते हैं वो शॉर्ट होते हैं बेस के पास में और जैसे जैसे हाइट इनकी अपर पोर्शन में जाते जाते हैं वैसे इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। अबो ईच नोड देर इज ए प्रोनाउंस थिकनिंग, ईच नोड के अबो एक थिकनिंग प्रेजेंट है जिसको पलिनस कहेंगे विद एन इंटरकलरी मेरिस्टम। इंटरकलरी मेरिस्टम भी वहीं प्रेजेंट है पलविनस में, एक थिकनिंग प्रेजेंट है नोड के अबो उसको हम पलविनस कहेंगे एंड आल्सो हैव इंटरकलरी मेरिस्टम। जो पलविनस है वो कलर्ड भी हो सकता है, वेरी करता है इंटेंसिटी फ्रॉम पर्पल टच टू डीप यूनिफॉर्म पर्पल, और जो कलर ऑफ पलमिनस है वो आल्सो एसोसिएटेड होता है विद कलर ऑफ लीव शीथ, लीव शीथ के कलर के साथ भी एसोसिएटेड होता है।
होता है। इंटरनोड जो है वो ग्रीन कलर का होता है। नीचे पिक्चर में आपको स्टेम दिख रही है जो कलम है, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स दिख रहे हैं, यंग और मैच्योर कलम दिख रही है। यंग में आपको डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है नोड इंटरनोड, मैच्योर में आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं नोड एंड इंटरनोड। इस पिक्चर में भी आपको नोड दिख रहे हैं, इंटर नोड दिख रहे हैं और इंटर कैलरी मेरिस्टम दिख रहा है, रूट्स भी दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर आपको सिर्फ नोड इंटर नोड एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम दिखाने के लिए लगाई है। इस पिक्चर में भी आपको नोड दिख रहे हैं, इंटर नोड दिख रहे हैं और इंटर कैलरी मेरिस्टम दिख रहा है, रूट्स भी दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर आपको सिर्फ नोड इंटर नोड एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम दिखाने के लिए लगाई है। ये पिक्चर मॉर्फोलॉजी दिखा रही है नॉर्मल राइस प्लांट की। इसमें आपको रूट्स दिख रही हैं, लीव दिख रही है, स्टेम दिख रही है और पेनिकल जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दिख रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि हम स्टेम के बारे में बात करेंगे, लीव्स के बारे में बात करेंगे, रूट के बारे में और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे मॉर्फोलॉजी में। अगर हम रूट की बात करें तो राइस में शैलो रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो राइस का जो रूट सिस्टम है वो दो टाइप से कंसिस्ट होता है, दो टाइप की रूट्स होती है, क्राउन रूट्स और नोडल रूट्स। क्राउन रूट्स को हम मैट रूट भी कह सकते हैं या इसमें मैट रूट इंक्लूड होती हैं। तो जो दोनों रूट्स हैं, कोई भी जो रूट्स है वो बेसिकली नोड से अराइज होती है। तो जो क्राउन रूट्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, वो नोड से अराइज होते हैं, पर वो जो नोड है वो बिलो द सोइल सरफेस प्रेजेंट है। अब अगर हम नोडल रूट की बात करें तो जो नोडल रूट है इसमें जो नोड है वो अबोव द सोइल सरफेस प्रेजेंट है। तो अबोव द सोइल सरफेस जो नोड है वहाँ से नोडल रूट अराइज होती है। टिलर्स भी प्रोड्यूस होते हैं नोड पे, वहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं लोअर नोड से, मतलब जो टिलर्स हैं उनके लोअर नोड से रूट्स निकल रही हैं। कौन से होंगे हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। सो क्या होगा, जो प्लांट है वो क्विकली डेवलप कर लेगा मास ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स का। तो जो टिलर्स हो जाएंगे, बहुत सारी कॉर्म्स हो जाएंगी, उसके नोड से हमें एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ रूट दिख रही हैं, रूटलेट दिख रहे हैं, रूट हेयर्स दिख रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स दिख रही हैं जो निकल रही हैं, मैच्योर रूट्स दिख रही हैं। इस पिक्चर में आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिख रहा है। नीचे आपको क्राउन रूट दिख रही हैं, ऑर्डिनरी रूट्स हैं, मैट रूट्स हैं, ऊपर नोडल रूट्स दिख रही हैं, इंटर नोड दिख रहा है, नोड दिख रहा है, लीफ शीट दिख रही है। अगर एक पोर्शन को हाईलाइट करके देखें तो आपको लीफ के पार्ट दिख जाएंगे, लीफ ब्लेड, लिग्यूल, ओरिकल, लीफ शीट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साइड में टिलर्स निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो शूट है वो भी आपको दिख रही है। लीव्स की बात करें तो जो फर्स्ट लीव एट द बेस ऑफ मेन कलम, जो पहली लीफ होती है बेस ऑफ मेन स्टेम की और ईच टिलर की, वो रूडिमेंट्री है और कंसिस्ट होती है ब्लेडलेस पोरफाइलम से। ठीक है, जो लीव्स हैं वो अल्टरनेटिवली बोर्न होती है स्टेम में, मतलब वन एट ईच नोड, एक नोड पे एक लीफ होगी, फिर उसके अल्टरनेटिवली नेक्स्ट नोड पे अपोजिट साइड में लीफ होगी। जो लीफ जो लास्ट लीफ है वो क्या करती है, रैप कर लेती है पेनिकल को, और उसको क्या कहते हैं, पेनिकल लीफ या फ्लैक लीफ कहते हैं, वो आगे आपको दिख जाएगी। ईच लीफ जो है वो कंसिस्ट होती है लीफ शीट से, लीफ ब्लेड, लिग्यूल एंड ओरिकल से। लिग्यूल एंड ओरिकल आपको नीचे पिक्चर में दिख रहे हैं। पिक्चर में आपको पल्विनस दिख रहा है, लीफ कॉलर दिख रहा है, लिग्यूल ओरिकल दिख रहा है। लिग्यूल ओरिकल कॉलर के बारे में हमने वीट प्लांट में भी डिस्कस किया है। लीफ मिडरिप दिख रही है, पैरलर वेन्स दिख रही हैं। राइस में कैसा दिखता है स्टेम और नॉर्मल वीट में कैसा दिखता है, ये भी आपको कंपेरिजन दिख रहा है। एक एक के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वही बेसिक प्लांट है जिसमें आपको रूट दिख रही है, नोड, इंटर नोड, इसमें पर आपको लीफ के अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, लीफ शीट दिख रही है, लीफ कॉलर के बारे में बता रखा है, लीफ ब्लेड दिख रही है, फ्लैग लीफ दिख रही है, आपको ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकल है उसके पास जो लीफ है उसको फ्लैग लीफ कहते हैं। स्टेम कलम है, इंटर नोड नोड्स हैं, साइड में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज ऑक्सिलरी शूट्स निकल रही हैं उनको हम टीलर्स कहते हैं, और बाकी लीफ के पार्ट्स दिख रहे हैं। ये बेसिक आपको जनरल आईडी के लिए मैंने दिखाया है। इन पिक्चर में आपको दो कल्टीवर वैरायटी दिख रही हैं राइस की, जिसमें हम सिर्फ आपको लीफ ब्लेड, लीफ कॉलर, ओरिकल, लीफ शीत और लिग्यूल के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। आपको क्लियरली एक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ ब्लेड दिख रही है, लीफ कॉलर, लीफ शीत, ओरिकल एंड लिग्यूल दोनों में क्लियरली आपको दिख रहा है। अब अगर हम बात करें एक एक स्ट्रक्चर की,
वैसे तो हमने वीट में भी बात कराए, सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डिटेल में बात करी है। फिर मैं आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक हल्का फुल्का बता देती हूँ, बाकी आप वीट में देख सकते हैं। तो जो लीफ ब्लेड होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, 30 to 50 सेंटीमीटर लेंथ में है, 1 to 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, ठीक है। स्पाइन हेयर भी प्रेजेंट होते हैं मार्जिन पे। तो जो लीफ ब्लेड है वो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर। अब हम बात करें लीफ शीथ की, तो जो लीफ शीथ है वो क्या करता है, एनसर्कल कर लेता है वोल और पार्ट ऑफ इंटरनोड को। इंटरनोड के पार्ट को या वोल स्टेम को क्या कर लेता है, एक ट्यूबुलर पोर्शन होता है ऑफ लीफ को जो सराउंड कर लेता है स्टेम को, उसको लीफ शीथ कहते हैं। वीट में भी देखा था आपने, राइस में भी देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि लीफ शीथ जो है वो क्या कर रही है, स्टेम को सराउंड कर रही है। अब हम बात करें कि कॉलर की बात करें तो क्या होता है, ये जंक्शन में प्रेजेंट होता है लीफ ब्लेड और लीफ शीथ के। एट द जंक्शन ऑफ लीफ शीथ एंड लीफ ब्लेड ट्राइंगुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। ये थिन बैंड ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, बेसिकली ग्रासेस में ही फाउंड होता है। लीफ कॉलर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा है लीफ कॉलर जो कहाँ पे प्रेजेंट है। लीफ कॉलर हमेशा जंक्शन ऑफ लीफ ब्लेड और लीफ शीथ के बीच में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें लिग्यूल की, तो लिग्यूल क्या होता है, लिग्यूल जो है वो एक मेम्ब्रेनस और हेयरी अपेंडिजेस है जो अपर सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होता है, और हम कह सकते हैं जंक्शन बिटवीन लीफ शीथ और लीफ ब्लेड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिग्यूल क्या है, एक हेयरी अपेंडिजेस है, पिक्चर में आपको लिग्यूल भी दिख रहा है। अब हम बात करें ओरिकल की, तो ओरिकल क्या है, आउटग्रोथ है एट द बेस ऑफ लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड पे क्या है, आउटग्रोथ है, सिकल लाइक अपेंडिजेस हैं, दिखते हैं सिकल लाइक दिखते हैं, और ये फ्रिंज होते हैं विद लॉन्ग हेयर्स, हमने वीट में भी देखे हैं ओरिकल। अगर यहाँ क्लियर नहीं होता वहाँ देख सकते हैं, पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियरली लीफ ब्लेड, लीफ कॉलर, ओरिकल, लीफ शीथ सब दिख रहे हैं। जो पिक्चर में हमने बात करी है वो यहाँ पे मैंने सिर्फ रिटर्न में लिख दिया है, लीफ ब्लेड क्या होता है, डोर्सी वेंट्री फ्लैटेंड ब्लेड ऑफ लीफ है, लीफ शीथ क्या होता है, ट्यूबुलर पोर्शन सराउंड कर रहा है, लीफ कॉलर जो है वो थिन बैंड है, इंटरकरे मेरिस्टम का जो जंक्शन ऑफ लीफ ब्लेड और लीफ शीथ पे प्रेजेंट है, लिग्यूल हेयरी अपेंडिजेस है, ओरिकल आउट ग्रोथ है लीफ ब्लेड की, सब मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए रिटर्न मेटेरियल लिखा है, बाकी आपने पिक्चर में देख ही लिया है। पेनिकल क्या है, जो राइस की इन्फ्लोरेसेंस है उसी को हम पेनिकल कहते हैं, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो पेनिकल है। ग्रुपिंग और अरेंजमेंट इन विच फ्लावर आर बोर्न ऑन ए प्लांट इज पेनिकल, दैट इज बेसिकली द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस प्लांट। फ्लैग लीफ की बात करें तो लास्ट मैच्योर लीफ बिफोर इन्फ्लोरेसेंस इन ए सीरियल क्रॉप इज फ्लैग लीफ। इन्फ्लोरेसेंस के पास जो लास्ट मैच्योर लीफ प्रेजेंट है वो फ्लैग लीफ है, यहाँ पे आपको दिख रही है साइड में इन्फ्लोरेसेंस, उसके पास जो लीफ प्रेजेंट है उसको हमने फ्लैग लीफ कहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टिलरिंग प्लांट्स। पिक्चर में आपको दिख रहा है नॉर्मल सीडलिंग प्लांट जिसमें लीव्स रूट्स हैं, नॉर्मल प्लांट से प्राइमरी टिलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन सेकेंडरी टिलर्स एंड देन टर्शरी टिलर्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो स्टेम है राइस की वो मेड अप ऑफ होती है नोड्स एंड इंटरनोड की सीरीज से। जो नोड्स हैं वो वेरी करते हैं लेंथ में, डिपेंड होता है वेराइटी एनवायरमेंटल कंडीशन पे। जो लेंथ है नोड की, सॉरी जो लेंथ है इंटरनोड की वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे नीचे से अपर जाएंगे तब। जो नोड होता है वहाँ पे हमें लीफ और बड प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टिलर प्रोड्यूस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो बड है उससे टिलर प्रोड्यूसिंग में हेल्प होती है। अब जो टिलरिंग है वो कब बिगिन होती है, जब जो हमारा सीडलिंग है उसमें 5 लीव्स प्रेजेंट होती हैं तब पहला टिलरिंग इमर्ज होती है। तो जो फर्स्ट टिलर है वो कहाँ से डेवलप होता है, फर्स्ट टिलर डेवलप होता है मेन स्टेम और सेकेंड लीफ ऑफ द बेस प्लांट से, मतलब पहला टिलर मेन स्टेम और सेकेंड लीफ के बीच से प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही जैसे ही नॉर्मल बेसिक प्लांट में सीडलिंग में 6th लीफ इमर्ज होगी तब हमारा सेकेंड टिलर डेवलप होगा। जो सेकेंड टिलर है वो कहाँ से डेवलप होगा, मेन स्टेम और 3rd लीफ ऑफ द बेस प्लांट से डेवलप होगा। जो टिलरिंग है वो कैसे होती है, मेन स्टेम में प्राइमरी टिलर्स डेवलप होते हैं, फिर प्राइमरी टिलर से सेकेंडरी टिलर्स डेवलप होते हैं और सेकेंडरी से टर्शरी टिलर्स डेवलप होते हैं। ये एक सिंक्रोनमस वे में चलता है, प्राइमरी टिलर से सेकेंडरी टिलर्स डेवलप होना और सेकेंडरी से टर्शरी टिलर्स डेवलप होना। और जो सारे जो टिलर्स होते हैं वो अटैच रहते हैं
प्लांट से लेटर स्टेजेस में क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी रूट्स ग्रो कर लेते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इनफ्लोरेसेंस ऑफ राइस। तो जो राइस इनफ्लोरेसेंस इज ए लूज टर्मिनल पेनिकल या स्पाइकलेट, ये 7.5 to 38.0 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ पेनिकल है वो उसमें है बेस, एक्सिस, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रांचेस, पेडिसल, रूडिमेंट्री ग्लूम्स एंड स्पाइकलेट प्रेजेंट होते हैं। पेडिसल जो है वो डेवलप होती है नोड ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांच, और जो स्पाइकलेट्स हैं वो पोजिशन होते हैं अबव दैम। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बोर्न होती है लोअर पेडिंकल पे। रैकिस बियर ब्रांचेज आइदर सिंगल और इन पेयर फॉर्म फ्रॉम विच स्पाइकलेट अराइज। नंबर ऑफ स्पाइकलेट और जो पेनिकल हैं वो वेरी करती हैं वराइटी टू वराइटी। जो स्पाइकलेट्स हैं वो यूजुअली बोर्न सिंगली और समटाइम क्या होता है क्लस्टर्ड होती हैं, ग्रुप में होती हैं विद 2 to 7 स्पाइकलेट टुगेदर। ठीक है, या तो सिंगली बोर्न हो सकता है या फिर क्या हो सकता है क्लस्टर में हो सकता है। ईच जो स्पाइकलेट है वो इज लेटरली कंप्रेस्ड और वन फ्लावर्ड होता है और बोर्न होता है ओने सिंगल ओने शॉर्ट पेडिसल सबटेंडेड बाय 2 स्ट्राइल ग्लूम्स। ये कलरफुल पिक्चर जनरली आपको जस्ट पेनिकल का डायग्राम दिखाने के लिए, पेनिकल की पिक्चर दिखाने के लिए लगाई है। पिक्चर में आपको दिख रहे हैं 2 कल्टीवर वेराइटीज ऑफ ओराइजा, दोनों में आपको पेडेंकल दिख रहा है, रैकिस दिख रहा है, फ्लैग लीव दिख रहा है और प्राइमरी ब्रांच दिख रही है आपको पेनिकल की। नीचे आपको रेकिला और स्पाइकलेट का डायग्राम दिख रहा है। तो आपको पता चल गया है कि प्राइमरी ब्रांच भी हो सकती है, सेकेंडरी ब्रांच भी हो सकती है पेनिकल की। रैकिस पेडेंकल होता है, उसके बाद रैकिस होती है, रेकिला होता है, फिर वहाँ पर स्पाइकलेट प्रजेंट होते हैं। द स्पाइकलेट और फ्लोर है वो बोर्न होता है शॉर्ट स्टॉक पे, जिसको पेडिसल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जो जो ईच फ्लावर है या वन फ्लावर है जो बोर्न हो रहा है शॉर्ट पेडिकल पे, वो सराउंडेड है बाय 2 स्ट्राइल ग्रूम्स। जो ग्रूम्स हैं वो लेंसुलेट होते हैं, लेदरी है, शाइनी स्ट्रक्चर है, रेंज इन कलर होता है फ्रॉम वाइट येलो टू रेड ब्लैक। फ्लावर जो है राइस का वो सेल्फ पोलिनेटर होता है सराउंडेड बाय लेमा, और जो लेमा है वो ऑन भी हो सकते हैं। लेमा और पेलिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनक्लोज विद इन लेमा और पेलिया 2 ब्रॉड थिक फ्लैशी लोडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, पिस्टिल्स प्रेजेंट होते हैं विद 2 पल्मुलर स्टिग्मा ऑन 2 स्टाइल्स। ठीक है, तो जो पिस्टिल है उसकी 2 स्टाइल्स होते हैं विद 2 पल्मुलर स्टिग्मा, 6 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ये सब जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन लेमा एंड पेलिया। पिक्चर में आपको दिख रहा है पेडिसल प्रेजेंट है, रेकिला प्रेजेंट है, रूडिमेंट्री ग्लूम्स प्रेजेंट है, स्ट्राइल लेमा प्रेजेंट है, पिस्टिल प्रेजेंट है, ओवरी स्टिग्मा, स्टेमन में एंथर फिलामेंट प्रेजेंट है, लेमा पेलिया दिख रहा है, और जो लेमा है वो ऑन है। ये आपको सारा एक स्पाइकलेट का या एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेमा पेलिया ग्लूम ओवरी स्टिग्मा, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने वीट में भी पढ़े हैं। इस पिक्चर में भी आपको क्लियरली दिख रहा है लेमा दिख रहा है, ऑन स्ट्रक्चर है, नर्व्ड है, स्ट्राइल लेमास दिख रहे हैं, अपर लोअर रूडिमेंट्री ग्लूम्स दिख रहे हैं, 2 रूडिमेंट्री ग्लूम्स दिख रहे हैं आपको। नीचे पेडिसल दिख रहा है, उसके ऊपर रेकिला दिख रहा है, रूडिमेंट्री ग्लूम्स दिख रहे हैं, ओवरी दिख रही है, 2 आपको 2 स्टिग्मा दिख रहे हैं, पेलिया दिख रहा है, हेरी स्ट्रक्चर है, उसके आपको ऊपर आपको 4 एंथर दिख रहे हैं, या हम कह सकते हैं 4 स्टेमन है, 4 एंथर 4 फिलामेंट दिख रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का। ये हमने इस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पहले भी देखा है वीट में, तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा व्हाट इज़ पेलिया लेमा, व्हाट इज़ ग्लूम्स। तो यहाँ पे इजी हो जाएगा आपको समझना। यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड के बारे में लिख के दिया है डिटेल में कि पेडेंकल क्या होता है, स्टाक होती है इन्फ्लोरेसेंस की, बिलो द लोवरेस्ट इन्फ्लोरेसेंस नोड, रेकिस क्या होता है, सेंट्रल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है अराउंडिंग विच फ्लावर आर बोर्न, प्राइमरी ब्रांच क्या होती है, और रेकिला क्या होता है, रेकिला एक्सिस ऑफ स्पाइकलेट है अबोव द ग्लूम, स्पाइकलेट क्या है, अल्टीमेट कंजेस्टेड इन्फ्लोरेसेंस है जो ग्रासेस में प्रेजेंट होता है।
पेडिसल जो है वो बेसल पार्ट होता है, अल्टीमेट ब्रांच ऑफ इनफ्लोरेसेंस का, रूडिमेंट्री ग्लूम्स क्या होती हैं, ब्रैक्ट होती है इनफ्लोरेसेंस ऑफ ए ग्रास और सिमिलर प्लांट में, स्ट्राइलेमा क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ ए लेमा, ए ब्रैक्ट इन द पोजीशन ऑफ ए लेमा बट नॉट इनक्लोजिंग फ्लोरल ऑर्गन, फ्लोरेट क्या होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं स्पाइकलेट के, लेमा क्या होता है, लोअर ऑफ द टू ब्रैक्ट इनक्लोजिंग फ्लावर, पेलिया क्या होता है, अपर ऑफ द टू ब्रैक्ट इनक्लोजिंग फ्लावर, ऑन क्या होता है, ए लॉन्ग ब्रिसल लाइक अपेंडिजेस फाउंड ऑन द टिप ऑफ और बैक ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ग्रास स्पाइकलेट, अगर ऑन है तो ऑन हो गया, नहीं है तो ऑनलेस स्ट्रक्चर हो जाता है। स्टेमन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल बियरिंग वन और मोर माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर क्या होता है, पोलन बियरिंग पार्ट ऑफ स्टेमन, फिलामेंट स्टाक पार्ट ऑफ स्टेमन, पिस्टिल क्या होता है, कार्पल ऑफ ए फ्लावर, स्टिग्मा क्या होता है, एपिकल पार्ट ऑफ ए कार्पल, ओवरी बेसल पार्ट ऑफ ए कार्पल। राइस ग्रेन की बात करें तो मैच्योर राइस ग्रेन इज कैरियोप्सिस, ठीक है, राइस इज इन्वेस्टेड इन द हल इज कॉल्ड रफ राइस। रफ राइस, अगर राइस में हल प्रेजेंट है तो उसको रफ राइस या पैडी कहेंगे, इसमें 20% हल प्रेजेंट होती है। वाइल द हल रिमूव्ड, अगर हल को रिमूव कर दे राइस से तो उसको क्या कहेंगे, ब्राउन या हस्क राइस या क्लीन राइस कहेंगे। अगर अब हम बात करें ग्रेन कोट की, तो ग्रेन कोट जो है पिगमेंटेड होती है और डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, क्रॉस सेल्स, ट्यूब सेल एंड स्पेरोडर्म और इंटीग्यूमेंट्स। क्रॉस सेल, ट्यूब सेल ये हमने पीछे भी देखे हैं वीट में, ठीक है। जो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलर टिश्यू हैं वो आल प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द इंटीग्यूमेंट, जो रेमनेंट है न्यूसेलर टिश्यू के वो प्रेजेंट होते हैं इंटीग्यूमेंट के नीचे। इस पिक्चर में आपको तीन राइस दिख रहे हैं, एक तो जो हमारा राइस विद रफ राइस कह सकते हैं, उसके बाद हमारा ब्राउन राइस कह सकते हैं, उसके बाद जो पॉलिश राइस है वो है, तीन टाइप के राइस आपको दिख रहे हैं। एंडोस्पर्म जो है वो कंसिस्ट होता है सिंगल एलिलोन लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल, जो सेल्स है वो पॉलीगोनल है, विद ए सेंट्रल मास ऑफ थिन पैराकाइमेटस टिश्यू कंटेनिंग मोस्टली स्टार्च। जो एंडोस्पर्म है वो एलिलोन लेयर से बना होता है और एक सेंट्रल मास्ट होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का, जिसमें क्या मोस्टली स्टार्च स्टोर होता है। अब अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो जो एम्ब्रियो है वो लोकेटेड होता है नियर द बेस, ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो लोकेटेड होता है नियर द बेस और हम क्या कह सकते हैं, और वेंट्रल साइड ऑफ द ग्रेन, और एक कंसिस्ट होता है बेसिकली ऑफ स्कूटलम, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल से। तो एम्ब्रियो जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है स्कूटलम, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल से। जो प्ल्यूम्यूल है वो एंशित करा इज एंशितरित बाय कोलियोप्टाइल, प्ल्यूम्यूल एंशितरित करा जाता है बाय कोलियोप्टाइल से, और रेडिकल जो है वो एंशितरित बाय कोलियोराइजा। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो जो ब्रेन क्या होती है, पेरिकार्प, न्यूसेलस, एलिरोन लेयर एंड एम्ब्रियो है वो कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं ब्रेन को। जो ब्रेन है वो रिच होती है ऑयल्स में, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स एंड विटामिन्स में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल पार्ट जो है वो क्या होता है, मिलिंग प्रोसेस में हमारा जो है वो लॉस्ट हो जाता है राइस का। पिक्चर में आपको राइस ग्रेन दिख रहा है, में स्ट्राइलेमा दिख रहा है आपको, नीचे पेडिसल दिख रहा है, रेकिला दिख रहा है, एम्ब्रियो दिख रहे हैं, स्कूटलम, प्ल्यूम्यूल पार्ट दिख रहा है आपको, एंडोस्पर्म दिख रहा है ऊपर, एलिरोन लेयर है आपकी, पेरिकार्प दिख रहा है ऊपर, लेमा है, पेलिया है, ऑन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। साइड में आपको दिख रहा है हल लिखा हुआ है, हल के अंदर आपका सब कुछ आ गया है, ऑन, पेलिया, लेमा, ये सब, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने आगे और भी पिक्चर लगाई हैं जिनमें क्लियर हो जाएगा आपको। एंडोस्पर्म पोर्शन को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, इसमें आपको एलिरोन लेयर दिख रही है, एंडोस्पर्म सेल दिख रहे हैं विद स्टार्ची ग्रेन्यूल्स, एम्ब्रियो में आपको प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, स्कूटलम दिख रहा है, इधर साइड में ब्रेन में आपको न्यूसेलर टिश्यू है, टेस्टा है, पेरिकार्प है, ऊपर आपको लेमा दिख रहा है और ऑन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपके जो राइस ग्रेन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने एक और पिक्चर लगा दी है ताकि अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो सकता है, वही सेम पार्ट इसमें भी है। मैंने तीन पिक्चर लगाई है, हो सकता है किसी को पहली में समझ आ जाए, किसी को दूसरी में, किसी को थर्ड पिक्चर में समझ आ जाए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है राइस ग्रेन का। अब हम बात करते हैं कल्टिवेशन की, तो देर आर टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ राइस कल्टिवेशन है, पहला ड्राई पैडी कल्टिवेशन, सेकेंड इज वेट पैडी कल्टिवेशन। ड्राई पैडी कल्टिवेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो क्रॉप है वो रेज करी जाती है ड्राई ग्राउंड पे, जैसे कि बेसिकली अदर क्रॉप्स जो सीरियल्स को हम ग्रो करते हैं। वेट पैडी कल्टिवेशन में क्या होता है, जो क्रॉप है वो ग्रो होती है अंदर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर में, जो वाटर की है एडिक्वेट सप्लाई की जाती है
कब से कब तक वाटर जो है ट्रांसप्लांटिंग अंटिल हार्वेस्टिंग जो है वाटर रहता है वेट पेडी कल्टीवेशन में। एक और एक्स्ट्रा कल्टीवेशन है सेमी वेट कल्टीवेशन। यहाँ पे क्या होता है, राइस इज सोन एज ड्राई, उसको बोया तो ड्राई जाता है टू बिगिन, पर बाद में क्या होता है जो रेन से जो लैंड है वो फ्लडेड हो जाता है वाटर से ग्रोइंग सीजन तक, तो ये सेमी वेट हो जाता है। वेट में कंप्लीट वेट है, ड्राई में नॉर्मल सीरियल्स की तरह ड्राई है, सेमी वेट में जब बोते हैं तब तो ड्राई रहता है, लेकिन रेनी से क्या हो जाता है जो लैंड है वो फ्लडेड हो जाता है वाटर से, तो ये वेट में आ जाता है, तो इसलिए इसको सेमी वेट पेडी कल्टिवेशन कह देते हैं। वेट कल्टीवेशन में क्या होता है, जो लैंड है उसको पहले इरिगेटेड किया जाता है सोइंग से पहले, उसको वाटर स्टैंड रहता है और वाटरी फील्ड में ही उसको दो तीन बार प्लग किया जाता है, सेवरल टाइम वाटर प्रेजेंट होता है उस टाइम पे, और जो लम्ब्स होते हैं सोइल के वो ब्रेक किए जाते हैं तो बेयर फीट से या रोलर आते हैं उनसे। फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो कंपोस्ट और मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग में लेगुमिनस क्रॉप्स ग्रो करके यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजनस के लिए हम अमोनियम सल्फेट और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम सोइंग की बात करते हैं तो ड्राई कल्टिवेशन में तो क्या होता है, सीड जो है वो ड्राई डायरेक्टली प्लगिंग के बाद ग्रो कर दिए जाते हैं। वेट कल्टिवेशन में क्या होता है, सीड को पहले नर्सरी में ग्रो करा जाता है, फिर जब सीडलिंग बन जाता है वहाँ पर तब उसको फ्लडेड फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो 80 to 30 सेंटीमीटर का जब सीडलिंग लॉन्ग हो जाता है नर्सरी में, अब वहाँ से उसको लेके स्मॉल बंडल्स में अप्रूव कर लिया जाता है और उसको फील्ड में ले जाया जाता है, या तो सेम डे ट्रांसप्लांटिंग होती है या नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 3-4 जो सीडलिंग है उनको मड में हैंड के द्वारा उनको पुश किया जाता है, जो प्लांटिंग है वो रेगुलर लाइन, उनमें जो स्पेस होता है वो 20 to 30 सेंटीमीटर अपार्ट होती है रेगुलर लाइंस, और जो स्पेस होता है ईच रो में वो 7 to 15 सेंटीमीटर होता है। वीडिंग और इंटर कल्टरिंग की बात करें तो जो क्रॉप जो ड्राई कंडीशन में होते हैं वो रेगुलर वीडिंग चाहिए होता है, जो हार्मफुल वीड्स होते हैं उनको रेगुलरली रिमूव करना होता है। वीडिंग बाय हैंड कर सकते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं 2,4-D लाइक डाइनाइट्रो कंपाउंड्स वगैरह। जो हर्बिसाइड्स है वो 3 स्टेजेस पे हम पेडी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, प्री प्लांटिंग, प्लांटिंग से पहले, प्री इमरजेंस, इमरजेंस से पहले, या पोस्ट इमरजेंस, इमरजेंस के बाद हर्बिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब है जो पेनिकल ब्राउन कलर का हो जाए, येलोइश हो जाए, तो इसका मतलब राइस इज रेडी टू हार्वेस्ट। हैंड सिकल के द्वारा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एडवांस कंट्रीज में ट्रैक्टर यूज होता है, जो कंबाइनली करता है, कट करता है, थ्रेशर करता है, ग्रेन्स को बैग में पैक करने में हेल्प करता है, ये सब वन ऑपरेशन में होता है। थ्रेशिंग की बात करें तो पहले क्या होता था, बीटन किया जाता है क्रॉप को बाय वुडन लोक से, या फिर बीटन बाय जो फीट ऑफ बुल वगैरह से क्या हो थ्रेशिंग की जाए। अब जो है ग्रेन्स जो हैं बेसिकली नाउ डेज तो थ्रेशर वगैरह यूज होते हैं, जो ग्रेन्स हैं जो थ्रेशिंग है उनको क्या करें, विनो किया जाता है विंड में, ताकि क्या हो जाए, फ्री ऑफ डस्ट हो जाए, शॉर्ट पीसीज ऑफ स्ट्रा वगैरह लाइट ग्रीन जो है वो रिमूव हो जाए। मिलिंग प्रोसेस की बात करें तो मिलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हस्क रिमूव किया जाता है आइदर बाई हैंड और बाई पावर ड्राइवन मशीन, लाइक राइस हलर्स होते हैं उनसे है क्या जो हल है हस्क है वो रिमूव किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, मॉडर्न मिलिंग मशीन्स की बात करें तो उसमें क्लीनिंग, हलिंग, पॉलिशिंग और ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली यहाँ भी इंडिया में भी यूज़ होता है। राइस को डाल दिया जाता है मिलिंग प्रोसेस के लिए, पहले हमारा जो होता है हस्क रिमूव होता है, उसके बाद ब्रैन रिमूव होता है, फिर पॉलिशिंग होती है, तो ये जो सभी प्रोसेस हैं ये एक मिलिंग मशीन में चलती रहती है। अब हम बात करते हैं पार बॉइलिंग की। पार बॉइलिंग क्या होती है, सर्टेन एशियन कंट्रीज स्पेशली लाइक इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, जहाँ पे राइस जो है वो प्री मिलिंग ट्रीटमेंट रिसीव करता है, उसको पार बॉइलिंग कहती है। इसमें क्या होता है, जो जो पैडी है और जो अनहस्क राइस है उसको स्टीम करा जाता है वाटर में, वार्म वाटर में फॉर 24 आवर, और उसके बाद जो है उसको देन स्टीम अंडर प्रेशर अंटिल आउटर लेयर ऑफ स्टार्च एंड जस्ट इज पार्शियली स्टरलाइज। उसको प्रेशराइज किया जाता है, स्टीम के अंदर प्रेशर दिया जाता है, ताकि क्या हो जो स्टार्च एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाए, पार्शियली स्टरलाइज हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो राइस है अनहस्क राइस है, पहले उसको वार्म वाटर में स्टीम करेंगे 24 घंटे के लिए, उस 24 घंटे के बाद उसको स्टीम करेंगे प्रेशर में, ताकि क्या हो जो आउटर लेयर है स्टार्च एंडोस्पर्म की वो पार्शियली स्टरलाइज हो जाए, ठीक है। द ग्रेन ड्राइड एंड मिल्ड इन यूजुअल वे एंड द पार बॉइल्ड कन्वर्ट लाइट हैज
आर बॉइल्ड और कन्वर्टेड राइस हैव मेनी एडवांटेज हैं ओवर मिल्ड राइस। तो जो ग्रेन है स्टरलाइजेशन के बाद नॉर्मली ड्राई किया जाता है और मिल किया जाता है, जैसे नॉर्मल राइस को किया जाता है। अब जो पार्ल बॉइल्ड या कह सकते हैं कन्वर्टेड राइस है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं नॉर्मल राइस के ऊपर। एडवांटेजेस हम बात करते हैं आगे। एडवांटेजेस की बात करें कन्वर्टेड राइस ओवर नॉर्मल राइस, तो जो कन्वर्टेड राइस है वो ब्रेकेज कम होता है ड्यूरिंग मिलिंग प्रोसेस। सेकंड क्या है, हाइयर यील्ड देता है व्होल ग्रेन की, जो इसकी कर्नल है वो लॉन्ग किकिंग में भी रिमेन रहती है। बेटर क्वालिटी है बिकॉज ऑफ पार्शियल स्टरलाइजेशन, जो सोल्यूबल मोर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो प्रिजर्व रहते हैं, जैसे कि ओइंग अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी वगैरह जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पे पार्बोइल्ड राइस यूज़ होता है एज ए स्टेबल फूड, वहाँ पे जो बेरी बेरी डिजीज है जो काज हो जाती है डाइट लैकिंग इन थायमिन वो नहीं होती है। तो अगर पार्बोइल्ड राइस यूज करा जाए तो बेरी बेरी डिजीज नहीं होगी। यूजेस की बात करें तो राइस एज ए फूड यूज होता है, जैसे नॉर्मल प्लेन राइस खीर में यूज कर सकते हैं, पुलाव में, डोसा इडली बनाने में, उपमा बनाने में। राइस का जो फ्लोर है वो हम कन्फेक्शनरी में यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम पेस्ट्री बनाने में यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रा होता है, जो ड्राइड स्टाल्क होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में, मैट्स में और मल्च बना सोइल मल्च में और एज ए फर्टिलाइजर बनाने में यूज कर सकते हैं। ब्रैन का जो ऑयल है वो यूज होता है सोप मेकिंग में, कॉस्मेटिक और लुब्रिकेंट्स मेकिंग में। राइस आल्सो यूजफुल होता है डायरिया में और इंडाइजेशन हो जाता है तब। और जो राइस है आल्सो यूज फॉर मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस।